प्रोफेसी को रिसीव किया इस लड़के ने टॉप किया है शाबाश कहां से है दिल्ली दिल्ली से हां दिल्ली वाले तो तेज होते हैं पूरे खा खा के लाला बना हुआ है हां सर आ क्या क्या है बता गवाही बता

पापा जी हॉस्पिटल में ही कुराली रेफर कर दिया पीजीआई जी आई भेजा वहाँ भी इमरजेंसी में रेफर कर दिया और बोला हार्ड में अथी में ले जाओ हॉस्पिटल में वहाँ बोला कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा हाँ बोला नहीं ऑपरेशन हम नहीं कराएंगे लड़का से बोला जाओ पापा जी से लेन प्रेर कराओ तो मैं ठीक हो जाऊँगा लड़का बेड पर छोड़ कर यहाँ आया आपसे लेहन प्रक्रा और डॉक्टर बोला इनको कुछ नहीं हुआ ये तो अच्छी हो गई नर्मल बोल के दिया मैं। देख लो से से आप बिहार ये बता रही है कि इसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा के तेरे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है सर्जरी करानी पड़ेगी हार्ट की लेकिन इसके लड़के ने स्पेशल प्रे कराई यहाँ पर आकर आप भी आए थे नहीं हम बेडे पर थे आप बेड ही पर थे लड़के ने कराई और ये बता रहे हैं कि स्पेशल कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं आपकी माँ को वापस ले जाओ कोई ऑपरेशन नहीं होगा कैंसिल हो तारीफ करो इस मसीह के नाम जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है आजाद हो जाओ मसीह के नाम में, में। साल से गुप्त रोग था और ऑनलाइन को रिसीव किया आजाद हो गए और इनकी गवाही सुनेंगे हाँ हाँ जय मह ये देखो अस्थमा डायबिटीज का प्रॉब्लम था मैं देता हूँ और पैर गल गए थे स्क्रीन पर दिखा पैर बिल्कुल उंगलियां डॉक्टर ने काटने के लिए बोल दिया था लगा दी स्क्रीन पर पंद्रह साल से करें और ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने स्पेशल लेड परे कराया और मेरी फोटो वाली जिस दिन से बता रही थी इनकी लड़की के इन्होंने टी शर्ट डाली उसके डैडी कह रहे हैं कह रहे है, मैं उस दिन से चंगा ही हो गया हाँ सुन रहे हो सारे भूत प्रेत भाग गए सारी बीमारियां भाग गई मैं कह रहा हूं कि विश्वास करना है परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को हाल स्किन एलर्जी थी देखो स्किन एलर्जी स्किन एलर्जी अनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया कोड जैसी बीमारियां दूर होगी इनकी चार साल से अस्थमा था कितने साल से चार साल से पापा जी हाँ अस्थमा था कैसे ठीक हुए स्पेशल ले हैंड ब्रेक कराए ठीक हो गया किसको था अस्थमा मेरे को था इनको था पंप लेना पड़ता था ले प्रे कराया, अस्थमा बिल्कुल गायब हो गया जोर से तारीफ करो ऐसे नहीं कोई मिठाई का डब्बा लेकर आता है पर आजकल तो दादी के लेके जाते स्किन एलर्जी थी देखो पूरे शरीर पर फोड़े फिंसियां और अनोटिंग वाटर ऑयल लगाया बच्चे आजाद हो गए मसी के नाम में तो स्पेशल ले प्रे कराया इसको अपने अपने मकान में चली गई अब पहले किराए पर थी इसको घर की आशीष मिली देख लो जिसने अपने घर में जाना है तो आपको पता है क्या कराना है अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश दस साल से ये भी घर लेना चाहते थे और बहुत बढ़िया कोठी इसको भी करोड़ों रुपए की कोठी मिल गई हाँ लोहिया स्पेशल क्या कराया था स्पेशल लैंड पे रखा स्पेशल लैंड कहा मकान लेने के लिए जी सर बच्चे के लिए भी कराया था पापा जी बच्चे के लिए भी कराया था हाँ जी पापा जी बच्चा भी हो गया

तो अभी कह रहा हूँ दो दो प्रेयर कट्ठी नहीं हो सकती पहले एक कराओ घर की फिर बच्चे की कराओ पकड़ो हाँ पकड़ो पकड़ो शाबाश परमेश्वर तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करे समस्या के नाम में ये भी घर के साथ ब्लेसिंग मिली देखो कार के साथ घर के साथ कहाँ से आया आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से आए घर और कार की ब्लेसिंग मिली जोर से तारीफ करो करे के इनके भी गाड़िया गाड़िया आप देख रहे हैं उंगली कट के अलग गिर गई थी और ऑयल वाटर लगाया एक मंथ में वापस जुड़ गई कमाल हो गया रे ये देखो आप स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपकी उसकी फोटो दिखा रहा हूँ किसकी थी बताओ हस्बैंड की इसके हस्बैंड की उंगली ये पड़ी ये देख लो देख लो स्क्रीन पर फोटो देखो इसके हस्बैंड की उंगली ये पड़ी कट के गिर गई थी और जब इसने दौड़ कर नोटिंग वाटर ऑयल गया और उसी समय वो उंगली वापस जुड़ गई जोर से तारीफ करो ईशो मसीह के नाम में एक्स एक साल से अरे मिराइकल हो रहे हैं यहाँ पर मिराइकल समझ रहे हैं कि नहीं yes. एक बिजनेस बंद थे पथरियाँ थी रसोलियाँ शॉप नई नई गुड न्यूज मिली है ईशो मसीह के नाम में अपने हाथों mm -hmm. हाँ तो उठाओ पिछले 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 ऊपर करो

जिन्होंने बीज नहीं बोया अपने हाथों में पकड़ो इसी समय बीज और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा पवित्र आत्मा जी मैं आज इस समय परमेश्वर ये भेंट ये बीज आज इनके लिए बोता हूँ पवित्र आत्मा जी आज जो अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए अपने घराने के लिए हाथ में बीज पकड़ के बैठे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोया है मेरे पिता परमेश्वर इनके बिजनेस करोड़ों रुपए के होने पाए शमसी के नाम में नुकसान करने वाली आत्मा शमसी के नाम में मेरे प्रभु तूने ने चौसठ करोड़ की भी गवाही दिया दो सौ करोड़ की भी गवाही देश मसीह के नाम में मैं देख रहा हूं यहां पर कोई आदमी बैठा है जिसको दो सौ करोड़ मिलने वाले हैं हैंसी के नाम में क्या आप में से वो आदमी बन सकते हैं तो आपको विश्वास से आमीन बोलना चिल्लाना है आज इसका दोनों हाथ खड़े करने ऊपर शायद आपको विश्वास नहीं है मुझे लगता नहीं विश्वास नहीं है मैं कह रहा हूँ आप में से वो व्यक्ति विश्वास कैसे होता है जब किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था उसने कहा था तू प्रॉफिट होगा तो मैं उसी समय अपने कोठे पर नाचने लगा दो दिन नाचता ही रहा समझ रहे हैं मैंने विश्वास किया और एक साल डेढ़ साल कोई भविष्यवाणी नहीं हुई मेरे से लेकिन मैं फिर भी नाचता ही रहा कोठे पर समझ रहे हैं क्योंकि मुझे विश्वास था परमेश्वर करेगा एक दिन आपको पता है मैं अपनी छत पर चढ़ता था और रोज मैं छत पर कूदता था और मैं कहता था स्वरदूत तुम मेरे पास हो मुझे टेलीफोन नंबर बताओ लोगों के एड्रेस बताओ नाम बताओ बताओ मैं तुम्हें ऐसे जानने नहीं दूंगा सुन रहे हो आज परमेश्वर मुझे बताता है यह विश्वास है दिखते नहीं है स्वरदूत लेकिन यह पहला स्टेप है विश्वास का दूसरे स्टेप में आपको दिखने लगेंगे इस समस्या नाम में आपको विश्वास कर मैं कर पर 200 करोड़ 200 करोड़ वो लड़, वो लड़के ने छलांग मारी चल कुर्सी पे चढ़ दोबारा कुर्सी पे चढ़ दोबारा हाँ कुर्सी पे चढ़ कोर्ट वाले कुर्सी पे चढ़ कुर्सी पे खड़ा होट हा, लड़के हाँ फिर से लड़का कह रहा फिर खड़ा हो फिर से पिछली बार तू तेरे लिए भविष्यवाणी किया था हाँ। तो क्या क्या मिला रविवार को भविष्यवाणी किया था मंगलवार को ही जॉब मिल गया इंटरनेशनल कंपनी में अब सुनो जब मैंने कहा तो उसने छलांग लगाई है जा लिख ले अभी तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं ईमानदार से बोलियो जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कटकरे में मैं खड़ा दू परमेश्वर के छत्तीस रुपए छत्तीस रुपए यूसुफ तो तू तो हमारे काम का है ही नहीं <laughs> कोट पैंट पहन के आ गया तू ऐसे आ गया पापा ने कोट पैंट पहना तो बेटा क्यों नहीं पहनेगा सुन सुन तू है वो लड़का जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं दो करोड़ रुपए का मालिक होगा तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो कर ताए प्यार बंदे आ और नच तो तुम्हारे को ना ले ताई आए बंदे आ लड़के अबे ये डांस तो तेरा कुर्सी पे देख रहा आज सौर ने खड़ा हूँ खड़ा हूँ और बताओ तो 200 करोड़ रुपए का मालिक बनेगा कि नहीं कैसे बनते हैं मैं फिर तेरे लिए कर रहा हूँ यस yes. एक प्रोजेक्ट पास होगा तेरा नंबर आएगा उसमें यस yes. एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकलेगी तू फॉर्म भरेगा यस yes. और तू इंग्लिश फट 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 बोलेगा यस yes. अभी क्या किया तूने अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अपना जो एडुकेशन है वो कंप्लीट किया है और अभी फिलहाल मैं इंटरनेशनल कंपनी में हूँ और जिस पोस्ट में मैं हूँ मुझे वो टोटली <laughs> हाँ। हाँ, भी अंग्रेजी में अभी छत्तीस रुपए है तेरे में। हाँ। आज मैंने भविष्यवाणी किया मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी अमीर आदमी के लिए करूँ तो कहेंगे इसका कोई बड़ा बिजनेस होगा समझ रहे कि नहीं कौन और तेरे घर में कौन है मैं मेरी मम्मी बस मम्मी क्या करती है

क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के 200 करोड़ 400 करोड़ निकले सब इतनी इतनी, इतनी गवाइया देकर गए इनकम टैक्स वाले ही आ गए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गवाही देकर गए बिल्कुल से एक भी मुझे करोड़ों रुपए नहीं देकर गया तेरे को देख ले मैं तेरे को अच्छे से न... <laughs> मुझे तो ईमानदार लड़का लग रहा है थैंक यू हालेलुया सच कह रहा हूँ एक आदमी सुना था आपने एक लड़का आया दो सौ तिहत्तर करोड़ रुपए की गवाही देकर गया एक आया सौ करोड़ की एक चौसठ करोड़ की देकर गया अभी बाद में पतली गली से निकल जाते हैं हमारा एंटर अब तक नहीं पड़ा मैं भाई साहब घुटने टेक टेक के प्रार्थना कर रहा हूँ लोगों के लिए कि परमेश्वर कोई व्यक्ति तो ऐसा दे जिसको 200 करोड़ मिले 400 करोड़ मिले 500 करोड़ मिले yes, आज से मैंने वो प्रार्थना अपने लिए शुरू कर दी है अब मैं किसी के लिए नहीं बोलता क्योंकि सारे गद्दार हैं तेरे लिए बोला आज मैंने दो महीने में पहली बार बोल रहा हूं आज मैं ईमानदार रहेगा यस yes. जा फिर

खेत में घास काटा करती थी लोगों के <laughs> आप समझ रहे हैं मतलब सोच भी नहीं सकते आप परमेश्वर कुछ भी कर सकता है वो असंभव को संभव कर सकता है आप एक प्रोफेटिक कॉलेज में आए हैं प्रोफेटिक स्कूल में आए हैं भविष्यता जो बोलता है वो होता है विश्वास करना बहुत सारे लोग बाइबल में धनी होने के लिए आशीष लेने के लिए नबी के पास जाते थे लेकिन नबी के पास खाली याद नहीं जाते थे यहाँ पे आ जाते हैं मुंह उठा के खाली आते सारे बोलो हाल लो या। सारे बोलो आज तो पादरी खूब बजारा मरी <laughs> अपने हाथों को उठाओ अपने बीज पकड़ो शबाश मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि आज फाइनेंशियल मीटिंग है आप चर्च में से मैं बता रहा हूँ पूरी दुनिया में सौ परसेंट में से नब्बे परसेंट लोग कहता आज भी कर्जे में दिक्कत में परेशानियों में है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाहता है पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथ में बीज पकड़े हुए हैं जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुनने का फैसला लिया है परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा ये सच में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को देखने पाए शमसी का नाम नुकसान होने बंद हो जाए जो दाद दे रहे हैं बीज डाल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से महाराष्ट्र से यूएसए से कैनेडा से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से न्यूजीलैंड से पवित्र आत्मा कहीं से भी परमेश्वर बीज बोरे इनके घराने पर तेरा हाथ आने पाए शमसी के नाम में मेरे प्रभु इनके बंद पड़े डोर खुल जाए खुल जाए बड़े बड़े बिजनेस खुले शमसी के नाम में बोलो आमीन सारे बोलो हाले लोहिया मेरे पास एक आदमी आया था और दान में डाल एक आदमी आया था नेपाल से और वो सरदार था जीरो था वो और उसके बीस लाख रुपए पता नहीं सत्तर लाख रुपए अकाउंट में आए उसके कोई लॉटरी लगी जीत गया वो है से। आप हैं मिराइकल, करवाने के लिए? मिराइकल सुनने के लिए तैयार है yes. तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें पवित्र आत्मा के वचनों में जाएंगे कितने <coughs> लोग जाएंगे विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मेरी ओर खड़ा होगा मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं बोलो परमेश्वर तेरी ओर खड़ा होगा मैंने सुनना हमारे पास कुछ भी नहीं था विश्वास की बातें बता रहा हूं थोड़ा सा आपके अंदर नॉलेज आए कानू साहब खड़े होना जरा कानू साहब हमारे साथ ये कानू साहब हैं ये कानू किसको बोलते हैं जो लोगों की जमीन माप लेते हैं और एक पटवारी थे इनके साथ उनका ना वो क्या करते हैं जमीन मापते हैं लोगों की मापते हैं कि नहीं <laughs> मतलब पटवारी कानू होते हैं जिस दिन ये मेरे चर्च में आए तो उस दिन मैं समझ गया मैंने कहा आप पटवारी कानू मेरे चर्च में आने लगे आप भाई साहब प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी किराए का किराए का चर्च छूट जाएगा yes. <laughs> समझ रहे तो मैंने जिस दिन इनको सुना इनकी गवाही सुनी कि भाई मैं कानूँ और मैं पटवारी हूँ तो हम वहाँ पर बाल भवन में किराए पर चर्च लगाते थे चंडीगढ़ में तो मैंने इनको कहा मैंने कहा आज जो भाई आज जो पांच पांच फुट उछलेगा आज कुर्सी से खड़ा होके विश्वास के साथ उसके घर में कहते पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं करोड़ों रुपए की आशीष दूंगा लेकिन लोगों का ना उस समय विश्वास नहीं था लोग ना ऐसे उछल रहे थे मुझे दिखाने के लिए और मैं और कानू साहब सबसे ज्यादा उछल रहे थे और मैं उछल रहा सबसे ज्यादा मैंने कहा और कोई उछले ना उछले आज पवित्र आत्मा ने बोला मैं उछलूंगा इनका विश्वास ही नहीं है और बाद में मैंने कानू साहब को पूछा कानू साहब आप किसके लिए उछ रहे थे कहते मैं अपने चर्च के लिए के साथ चर्च अपनी हो जाए जमीन आ जाए और परमेश्वर ने इसी बंदे को इस्तेमाल किया एक आदमी ने सुनो हमारे पास पैसे नहीं थे इन्होंने कहा चलो चलो चार करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दो हमने चार करोड़ रुपए की जमीन का बयाना दे दिया विश्वास की बात देखो जब बयाना दिया मेरे पास मुश्किल से मैंने पांच लाख इकट्ठे करके दिए होंगे उसके बाद फिर मैंने दस लाख इकट्ठे करके दिए भाई साहब लेकिन आपके सामने है, वो एक परमेश्वर देखता है और जैसे ही वो जमीन का जब दिन आए के भाई जमीन वाला कह रहा है तुम्हारा बयान मर जाएगा तो मैं कानू की तरफ देखू कानू मेरी तरफ देखे मैं, मैंने कहा मेरे तो लगे कानों के हाथ <laughs> आप कुछ करो तो हम ये हम वहां पर एक जगह पर बैठे हुए थे और आंधी आई तूफान आया और वो हवा उधर की तरफ गई तो उधर ही वो जमीन थी तो कानून साहब ने कहा नहीं नहीं रब करेगा पहुंचले होएगा कुछ ना कुछ होएगा लास्ट डे था जिस दिन हाँ बंदर बाप इधर लास्ट डे था लास्ट डे और लास्ट डे के दिन जब हम कुछ भी नहीं हो रहा था हमने प्रार्थनाएं की और मैं उस समय में अंदर से रो रहा था मैंने कहा परमेश्वर क्या होगा वो भी गया जो था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक वचन से कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन से <coughs> निति वचन पंद्रह और देखो उसमें क्या लिखा निति वचन पंद्रह बैठ जाओ साहब पढ़ जना अशोक उसका तेरा <coughs> 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 लुहिया मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है मन के दुख से आत्मा निराश होती है। जब आपकी आत्मा हार जाती है तो आपका बिजनेस डाउन होता है आपकी ब्लेसिंग रुक जाती है बाइबल बोलती है इस बात के लिए तो मैं उस समय में निराश हो गया आत्मा में हार गया और उसी समय में बेड पर लेट गया मैंने कहा छोड़ पर मरने दे जैसे ही काम चल रहा है वैसे मैंने कौन सा अपने लिए करना है ये तो परमेश्वर के घर के लिए होना है और उसी समय उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि वहां पर लिखा मन के आनंदित होने से किसके आनंदित होने से मन के आनंदित होने से कह रहे कि फेस पर भी प्रसन्नता छा जाती है और उसी समय मेरे पास एक स्वर आया पांच मिनट के बाद और मुझे आके हाथ मारा मुझे बोलता उठ और हंस तीन बार मैंने कहा मैं कैसे हंस सकता हूं <laughs> उसने कहा हंस कहता है, मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ दोबारा आऊंगा तुझे सोने नहीं दूंगा और वाया उसने मुझे मैंने हाँ। क्योंकि रो भी रहा था ना पैसा जा रहा भाई साहब टेंशन हो रही थी लेकिन पादरी होने के नाते उसने मुझे कहा हंस कर लोगों को सिखाता हंस अपने आप दुखी हो रहा है कहता हंस मैंने कहा हा 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 कहता मजा नहीं आया मैंने कहा उसने मुझे आधा घंटा स्वरदूत ने मुझे हंसाया और उसके बाद फिर मैं जोर जोर से छोड़ने लगा मेरी ब्यूटी कमरे मेरे के पास आई पापा लगता है पागलों के अंदर क्या हो रहा है मैंने कहा मैंने कहा कोई बड़ा काम। वाला बड़ा काम काम वाला और सुबह उठे जिसके पैसे नहीं थे वो मर गया मैंने नहीं मारा उसको उसको हार्ट अटैक आ गया क्या भा? और उसके बाद कानू जी आए हम नकली आंसू से रो रहे थे रो भी रहे थे दुख है दुख तो होता ही है चलो कोई संसार में से जाता है लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी फैमिली दिया साल में पैसा उतार के वो मारा परे हाल लोहिया आप समझ रहे हैं पवित्र आत्मा है मैं कह रहा हूं आज आपके सामने कोई मुसीबत पहाड़ बनकर खड़ी है मैं कह रहा हूं बीज बोने वाले सरकार आज मुसीबतें भाग जाएंगे आज आमीन समझ में आया कि नहीं कर विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी हो सकता है कुछ भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है अब मैं उस लड़के की वही कहानी बता रहा हूँ कि छत्तीस रुपए उसके अकाउंट में और उसको मैं भविष्यवाणी करके कह रहा हूँ अब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ आप में से कोई बैठा है यहाँ पर जिसके पास बच्चा नहीं है डॉक्टर ने आपको बोल दिया दस साल भी तू माँ नहीं बनेगी और पंद्रह साल भी तेरे पास तेरे पति के शुक्राणु नहीं है लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर ने जवाब दे दिया है लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया चर्च आमीन बोलने वाले फिर से अमीन आपके घर में गुड न्यूज आएगी शुमसी के नाम में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे शी के नाम में आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें अपने विश्वास को दिखाएं आज मैंने ये गवाहियां ये उदाहरण आपके सामने एग्जाम्पल है मैं यहीं पर रहता हूं और यहीं पर आस पास गांव वालों को पता है समझ रहे कि नहीं परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को अपने सिर पर हाथ रखो पवित्र आत्मा जी आज में समय सच्चे रब सच्चे बादशाह तेरे अग्न अरदास कर दा आत्मा जी तेरे लोग जड़े आज विश्वास कर देने पवित्र आत्मा जी उनके काम चमक जाए इस मसीह के नाम में जिन्होंने आज का वचन ध्यान से सुना है पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर के घर में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए इस मसीह के नाम में जो आज वचन को सुनने के लिए अपना मन खोल रहे हैं जिन्होंने बीज बोए पवित्र आत्मा जी लाखों नी करोड़ों नी अरबों पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आज रिलीज स्वर्ग से अंजल आज, परमेश्वर ये पहले पहले जैसे ना रहे, पहले ना रहे रहे, इनका बिजनेस जैसा सुरक्षित हो ईश्वसी के नाम में लंबी आयु मिलने पाए मसी के नाम में हर आशीष का ठिकाना ना रहे पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जो वचन को ध्यान से सुने उनके लिए पवित्र आत्मा जी आज हाथ बढ़ाना परमेश्वर स्वर्ग से हाथ बढ़ाना उनके लिए अंजल एंजल, एंजल प्रोवाइड कर के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एंजल आपकी सहायता के लिए प्रोवाइड हो रहे हैं के नाम में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे मसीह के नाम में ये परमेश्वर की ओर से गुड न्यूज मिलेगी जो वचन को सुनेंगे और मानेंगे पवित्र आत्मा उनके घर में तीस गुना नहीं साठ गुना नहीं सो गुना फल आने पाए के नाम आमीन बोलने वाले बधाई दो एक दूसरे को अपने पड़ोसी से हाथ मिला उसको बधाई दो बोलो कि तेरे पास सौ करोड़ आने वाले हैं <laughs> कईयों को विश्वास नहीं है मैं तो झाड़ू लगाती हूं मैं तो पोछा लगाती हूं मैं तो चाय पिलाती हूं हमारे देश में भी कोई चाय बनाता था देखो आज क्या है आप समझ रहे हैं कि नहीं तो आप कुछ भी हो परमेश्वर कुछ भी कर सकता आपके लिए बोला हाले लोहिया विश्वास कर रहे हो मैं फिर किसी और को किसी और को आज धनी करके जाऊं मैं गपोड़े नहीं मार रहा थोड़े दिन के बाद आप लक्की हो जाएंगे विश्वास करते हो आप में से है वो व्यक्ति ब्लेसिंग है उसके ऊपर गुड न्यूज है उसके ऊपर एक कोर्स का कोर्स एक, एक कोर्स गा, कोर्स कहा गया? कोर्स गाओ। अबलाबा, शबलाबा, बा, शबल शबलाबा। बल <laughs> कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कैबिन में बैठे हो आप किसी भी कैबिन में हो सकते हो आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है आपके ऊपर वो नोइंटिंग आ रही है वो पहले जैसे नहीं रहोगे समस्ती का नाम हर आशीष आपकी होगी फिर से कहो अपने हाथों को उठाकर फिर से कहो रुआ, बैठ जाओ अपने स्थान पर बैठो रुआ, रुआ, आप में से वो लोग आशीषों को देखेंगे मैं कह रहा हूँ सुनो जिसका नाम एस से एन से आर से जी से पी से एम से है, के से है उसका नंबर लगने वाला है। आ, ये, ये कई लोगों ने उछल कर विश्वास किया इस बात पर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आप देखेंगे गुड न्यूज मिलेगी शाम के नाम में मेरे पास एक्सपीरियंस है बहुत एक्सपीरियंस है जो परमेश्वर ने मुझे बनाया मेरे पास एक्सपीरियंस है बैठ जाओ सारे बोले हाली लोहिया मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे कौन है जिसका नाम बीर है बीर बी, हा, बीर हाँ बीर हाँ कौन है आपके साथ हाँ कमेयर कमेयर शबनबा शबनबा लेडीज कैसे आएंगी ऊपर से रखा दिल दी तजोरी बिच सांब के मेरे मोतिया तो मैं ये तेरे बोले बोलने तेनू छ के मैं जावा किथे नासरी क्यों के जून दिया गला तेरे को। कौन कौन है आपके साथ आने दो उनको शाबाश नहीं इसके साथ इसके साथ जो है बाकी बैठे रहो बस इस फैमिली के साथ जो है जो इस फैमिली के साथ है इसके साथ हो फिर जो भी है सुन हाँ हाँ जो भी है जो भी है जो भी है परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा एक नुकसान से बीर नाम बीर, बीर, नाम वाले लोग बड़े नुकसान में थे सुनो मैं, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ लड़के मैं तरफ आ रहा हूं। बीर बहादुर कौन है, है क्या नाम है आपके आपके साथ जो भी है सुनो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बड़े टाइम पहले कहते किसी ने तीन कबूतर कथा पक्षी कब पक्षी कुछ पक्षी मरे हुए कथा तुम्हारे कोठे पर स्पिरिट ने मुझे दिखाया अभी नेपाल में नेपाल में

करना जीरो से हीरो बना तराथ तराथ ने, ने मुझे मुझे कहा अभी परमेश्वर ने कहा अभी पहले है कुछ चीजें थी आपके पुरखों में पैसे थे लेकिन वो पुरखे वो पैसे आपके पास आए आपके डैडी के पास आपके फैमिली के पास आए लेकिन उसके बाद कि डाउन होते चले गए डाउन होते चले गए पच्चीस लाख रुपए का कुछ प्रॉब्लम हो गया पच्चीस पच्चीस लाख रुपए का क्या हुआ था क्या हुआ था गाड़ी था सर दो गाड़ी था उसके लिए तो गाड़ी किन गया शादी करने के लिए बात की है उसके बाद गाड़ी कना गाड़ी खरीद की गाड़ी खरीद की है उसके बाद हो गया है। सुन, गाड़ी so, जो, जो, जो खरीदी आपका एसी गाड़ी पूरा पच्चीस लाख रुपए का नुकसान हुआ स्पीड ने मुझे बोला मुझे नहीं पता जो भी अभी समय सुनना ध्यान से पवित्रा मेरे से बात कर रहा है जिस दिन आपने गाड़ी लिया कहता उस पर स्नेक बिठा कर भेजे कथा की आपके घर के अंदर कथा ये और वो आपके पड़ोसी आपसे जलने लगे जलस करने लगे आपके आप ही के लोग है वो जो जलस कर रहे थे आपको उस समय से नजर बोलते हैं नजर पट्टू क्या बोलते हैं नजर 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 बंद कर दिया गया आपको तो। कहते हैं एक ब्लैंक मैजिक किया गया आप बर्बाद होते चले गए बर्बाद होते चले गए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कहते हैं एक आपकी डेटें उसके पास है आपका नाम उसके पास है आपकी डेट किसी को सतारा 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 फरवरी या फिर सतारा सेवनटीन ट्वेंटी के आसपास ऐसी डेट सेवनटीन डेट किसका जन्म आता है किसका फेवरी फेवरी ट्वेंटी डेट 17 डेट आ, 17 18 19 20 ये चार डेटों में किसका तुम्हारे में से घर में परिवार में पवित्रात्मा ने मुझे अभी बोला

हाँ भविष्यता कड़क होता है जो मैं बोलूंगा उसको सुनना है सिर्फ अगर अच्छा लग रहा है ठीक है नहीं तो छोड़ दे इसको पवित्र रात बात कर रहा हूँ उसकी महिमा खराब नहीं करना अब अलाबा शब बलाबा शब अलाबा कहीं मिली नहीं है मेरे से मेरे को जानती नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा प्यार करता है सभी ना कौन है जोर से आप समझ में आ रहा है कि प्रभु आपके नाम को जानता है आपको बताता है परमेश्वर यहाँ पर लोग ऐसे नहीं आते आपको बता रहे हैं आप कोरिया जाना चाहते हो पवित्र आत्मा कर आप जापान जाना चाहते हो कहीं भी जाना चाहते हो परमेश्वर का आत्मा करे लेकिन वो जाने नहीं दे रहा आपको जाने नहीं दे रहा जाने नहीं दे रहा प्रॉब्लम डाल रहा क्रिएट कर रहा प्रॉब्लम संगीता कौन है संगीता है क्यों न इसकी श्रीमती जी वो क्या होता है श्रीमती पत्नी है ऐसे बोलना वाइफ है ओएफे, ओएफे। वाइफ है संगीता हाँ हाँ सुनो दोनों के पेट में प्रॉब्लम है होली ने मुझे बोला भी। अभी अभी आइए यहाँ पर संगीत नहीं, नहीं, नहीं. नहीं।, नहीं। प्रॉब्लम है आपके भी पेट में प्रॉब्लम हैं रसोलियां बन रही हैं यूट्रस में प्रॉब्लम हो रहा है आपके UH, पेट में इंफेक्शन है कहता है लेकिन पवित्र आत्मा कहता है मैं आज आजाद कर रहा हूँ मसीह के नाम खारिश करते हैं खारिश करते हैं रात को सोते हुए खारिश करते हैं स्किन एलर्जी होता है ऐसे स्किन एलर्जी होता है हाँ पूरी तरीके से आप बदन पर पूरी तरीके से आपके रैशेज पड़ जाते हैं निशान पड़ते हैं नींद के धब्बे दे पड़ते हैं और उसी समय रात को ऐसा लगता है आपको कोई टच करके जा रहा है टच करके जा रहा है आपको लगता है कोई टच करके जा रहा है कोई आपको अमाज़ लगा रहा है आपको छेड़ रहा है और मेरी आंखों में देख और उसी समय निकल रहा है चल आ रा, 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 रा लेडीज को भी छोड़ आ रा रा, रा दोनों गे दोनों दोनों मुँह खोलो चिल्ला और निकल जा चल मुँह खोलो चिल्ला और निकल जाओ चलो 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 हम्म क्या करने हैं मार रहे हैं इसको

जब आप पढ़ते हैं आपके ऊपर नजर करने वाली आत्माएं आ जाती है। है, उसके लिए मेरा अभी हैं। इसी समय फ्री हो नाम इसी और निकल जा चाल शबल शबल पवित्र आत्मा इसको छू और इसी समय टच कर मित्र देख मित्र देख

जाना तू अब तेरा टाइम खत्म हो गया मसीह के नाम में इसी समय चलो मसीह के नाम में मेरे सूची क्या तुम्हारी अभी पिछली बातें इसलिए बताइए तुम्हें यकीन हो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सुन रहे हो कह रहे मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ पक्का हंड्रेड परसेंट वो ब्लैक मैजिक खत्म समझ रहे हैं कि नहीं हाँ, एस नाम से एक और है जिसको आप जानते हो पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन ठहर जा तीन महीने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है जैसे छठा महीना शुरू होगा पासपोर्ट पर वीजा लग जाएगा ईशो मसी के नाम में रास्ते खुलेंगे कहता कि जो नुकसान हो रहा था बंद हो गया अब से वो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि की अब से फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता कि मैं तुझे एक कंपनी का मालिक बनाऊंगा ईशो मसी के नाम में अभी इसी समय गुड न्यूज होगा फेवर करेगा और इसी समय ब्लेसिंग ड्राइवर 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 मेरा गाड़ी में था मेरा भाई नहीं ड्राइवर है <स्थाथ> मेरा मेरा दूसरा जीजा भी ड्राइवर है अच्छा क्या जीजा पिज़ा से हमें कुछ नहीं लेना ये साली है तेरी मेरा साली है जी मेरे को कैसे मालूम <स्थाथ> तो जीजा पिज्जा पूजा ना कर मुझे सब जानता हूँ मैं पिज्जा पिज्जा हमारे यहाँ भी बनता है पिज्जा खा के देख एक बार हाल लोहिया

आप बचन को सुनने के लिए तैयार हैं चर्च कितने लोग आज से गरीब पति होना चाहते हैं हाथ उठाओ कितने लोग गरीब होना चाहते हैं वो हाथ उठाओ एक बार? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आज से फाइनेंस में मजबूत होना चाहते हैं होना चाहते हैं आप कितने लोग आशीष में बदलना चाहते हैं मुझे बताओ आज चाहते हो कि नहीं हा या ना हा या ना जितने लोग

आज का हमारा टॉपिक है क्या आपकी थैली में छेद है क्या आपकी आशीषों में छेद है किन लोगों के, किन लोगों लोगों के को ऐसा लगता है कि मेरी आशीषों में छेद हो गया मैंने मेहनत किया खत्म हो गया पैसा कमाया बरकत चली गई करें कि गाड़ी लिया नुकसान हो गया उसको बोलते हैं थैली में छेद है आपकी आशीषों में छेद है सुन रहे हैं कि नहीं तो हम पढ़ेंगे देखो क्या लिखा आगे की पुस्तक में भविष्यता क्या करें हाँ तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा हाँ। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है सारे बोलो हाले लोहिया बाइबल बताती है आज बहुत सारे लोग खाते हैं पेट नहीं भरता पीते हैं प्यास नहीं बुझती थैली में डालते हैं छेद हो जाता है बरकत नहीं है वो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं रहता उनके घर में कारण कहता है कि क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो लोग हमेशा घटते हैं लेकिन जो लोग परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं याद रखना कोई मालिक लाल उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता हजरात के बाप आप बढ़ेंगे अगर आज आप सीख कर गए yes. तो आज से आप बढ़ने वाले हैं शमसी के नाम में आज से घटना बंद हो जाएगा मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा आपकी में कुछ करना चाहता है आज बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा लेकिन करें के शैतान ने आपके जीवन में करें के वो करें वो प्रॉब्लम करके आपका सारा धन ले लिया आपको प्रॉब्लम में डाल दिया आपने बहुत जगह जाल डाला होगा लेकिन उदास होंगे होंगे आपने फॉर्म भरा होगा उदास हो गए होंगे आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा नहीं मिले सत्ताईस साल निकल गए आपने बिजनेस खोलना चाहा बिजनेस नहीं हुआ आप बाहर जाना चाहा वो बाहर जाने के लिए आप फ्लोप रहे आप अपनी जिंदगी में फ्लोप रहे लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आज जो मेरी जो मेरी इंस्ट्रक्शन का मैं वचन आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने आज उस वचन को ध्यान से सुना परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी के नाम में Amen. तुम पहले जैसे नहीं रहोगे चर्च Amen. कह रहा लोग आपके पास आएंगे आप पैसे रख रख के भूलेंगे काम पर रखें इतना हो जाएगा बोलो हाल लोही इतना हो जाएगा आपके पास <laughs> लेकिन मैं बता रहा हूं परसेंट लोग मसीह में आने के बाद आज भी कर्जे में हैं। 100 में से 90 हाथ जिसको कर्जा है, काम नहीं चल रहा बंधन में है, कोई प्रॉब्लम है देखो चर्च हाथ उठा रहा हूं सब लोग हाथ उठा रहे हैं इसका मतलब क्या है कारण क्या है कारण हमें देख रहे है हैं बाइबल से करे बाइबल बताती है करे पत्र एक दिन बड़ी मेहनत कर रहा था और उसको मछली पकड़ने के लिए वो गया लेकिन मछली में एक भी उसके जाल में मछली नहीं आई और वो उदास आकर बैठ गया और उसी समय वो सोचने लगा उसका बिजनेस चौपट होने वाला था निराश था वो निराश हो गया और कहने लगा कि शायद अब तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा और वो निराश होकर बैठ गया हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जिसका बिजनेस जिसका धंधा बिल्कुल बंद हो गया हो और ना चल रहा हो या आपकी जॉब लग ना रही हो आपकी उम्र निकलती जा रही हो आप बहुत काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप जो कमाते हैं हो सकता है कहता है आपकी पत्नी रोज डॉक्टर पर खड़ी रहती है आपके बच्चे रोज डॉक्टर पर खड़े रहते हैं कहते हैं हो सकता है इसका मतलब आपका पैसा नुकसान में जा रहा है हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई जाना सा बैठा हो मैं आपको में मैं किसी की, की गवाही बता रहा हूँ एक औरत थी और उसी समय जब वो फैमिली मेरे पास आई और वो आकर कहने लगी कि अरे प्रॉफिट जी हमने कहते रो रो कर रात बिताई है मैंने कहा क्या हुआ कहते हमें दो पीढ़ियों से हमारे ऊपर कर्जा है पुरखों का का हमारा नहीं है कर्जा है और हम कमाते कमाते अब तक कह रहे दो पीढ़ियां निकल गई उतारते उतारते आज भी कर्जा नहीं उतर रहा आज भी कर्जा नहीं उतर रहा मैंने कहा तुम प्रार्थना नहीं करते बोलते हम प्रार्थना भी करते हैं बाइबल भी पढ़ते हैं हम चर्च भी आते हैं फास्टिंग भी करते हैं मैंने कहा तुम एक कर्म नहीं करते कर्म करना है तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू टाइथ नहीं देती है हाल लोहिया आजकल बहुत सारे लोग मसीहत में हैं लेकिन टाइथ पर गलत प्रचार किया जाता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं टाइथ तो गरीबों को दे दो टाइथ तो उसको दे दो पादरी अमीर हो जाएगा अगर टाइथ आप दोगे तो आपके समझ में नहीं आ रहा आज वचन की एक एक चीज में खोल कर आपको बताऊंगा कि ताकि आप लोग आज से जितने समझदार हो गए वो बढ़ते चले जाएंगे आज इस मसीह में कह रहे पवित्र आत्मा की ओर से ये बात है कहते हैं वो उस औरत को जब मैंने बताया और उसी समय उस फैमिली ने विश्वास किया बीस साल से वो क्रिश्चियन थे लेकिन वो अपनी जिंदगी में दशवाश कभी टाइम पर नहीं देते थे कभी देते थे कभी रख लेते थे कभी देते थे कभी रख लेते थे और उन्होंने कहा था कि अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखा और उसी समय जिस दिन से उन्होंने इस बात पर अमल किया उनके साथ चमत्कार हुआ उनको एक लोन मिला और लोन के बाद उन्हें एक फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री खोलने के बाद एक पार्टनर मिला और उनका लोन भी उतर गया और वो दो महीने के अंदर कहते हैं कि गवाइया देने लगे कहते हैं कि हमारा तो सब काम एकदम से अच्छा हो गया हाँ कारण कारण क्या था कारण परमेश्वर का दशवांश वो अपने अपनी जिंदगी में देने लगे दसवां हिस्सा कहते हैं दसवां हिस्सा बाइबल बोलती है बाइबल में एक नियम है आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन उनकी लाइफ में एक भी आशीष नहीं है आज आप कोई मीटिंग में आए हैं आप समझो कि ये शो मस्जिद जो लोग आपको गलत प्रचार करते हैं मैं झूठा घोषपल बांटने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर मेरी चर्च के अंदर मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मेरी गवाही है जिस दिन से हमने दशवान देना शुरू किया मेरे लोग और हम आशीषित होते चले गए यीशु मसीह के नाम में बाइबल में नियम है गलातियों के छह के साथ में देखो क्या लिखा बाइबल में एक नियम है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा सारे बोलो दोगे तो दिया जाएगा दो बातें जरूरी हैं कहते हैं खुदा की इंस्ट्रक्शन का जब आप पालन करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है दो बातें कंपलसरी हैं हैं उसके अंदर है कि दो नियम बनाए परमेश्वर ने कि बोने का समय एक काटने का समय जब आपने बोया ही नहीं है तो आप काटोगे कहां से हाँ तो इसका मतलब लोग बोते नहीं हैं वो इसलिए वो काटते नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कहते हैं आज मसी लोग कह रहे मनुष्य जो बोता है देखो क्या लिखा पढ़ेंगे इसमें

बहुत बहुत सारे लोग सौ में से एक परसेंट एक आदमी ऐसा होता है साधारण जिसको पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन सब झूठे बैठे हैं यहाँ पर झूठ बोलते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है सबको जरूरत है पैसे की है कि नहीं यीशु मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया और उसने उसके बाद उसको कहा लोगों को कहा जाओ इसके लिए जुगाड़ नहीं करो इसके लिए खाने का इंतजाम करो हाल उसने उसके लिए खाने का इंतजाम किया अगर परमेश्वर आपके खाने का प्रोवाइड करा सकता है तो याद रखना आपके बैंक में फाइनेंस को भी प्रोवाइड करा सकता है आज रात आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जा सकता है लेकिन कह धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता मजाक ना समझना को आज कहता अगर आप समझ रहे हैं यही कारण है दस साल से आपके खा रहे हैं बहुत सारे लोग भटक रहे हैं और लोग आकर बोलते हैं पापा कह लोग हमारी नाम दराई कर रहे हैं नाम दराई कर रहे हैं हमें गली मोहल्ले में बोलते हैं लोग क्या मिला तुम्हें मसीह में जाने के बाद वो ठीक बोलते हैं तुम्हें कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर को ठट्ठो में उड़ाते हो क्या कह कहती है कि मेरे को ठट्ठो में मत उड़ाओ कहते हैं धोखा ना खाओ कहता है लोगों की बातों से धोखा ना खाओ अपने मन से धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता लिखा मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटेगा हाल लोहिया कह रहा मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा आप क्या बोकर जा रहे हैं धरती पर अपने बच्चों के लिए काटे के फूल बोकर जा रहे हैं आप आए इस धरती पर आपने क्या बोया है आपको पता है अगर आप झूठ बोलते हैं एक दिन आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे आप गाली देते हैं आपके बच्चे भी गाली देंगे आप शराब पीते हैं आपके बच्चे भी शराब पीएंगे हंड्रेड परसेंट लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा धोखा ना खाओ कहता अगर आप बोने में कमजोर हैं तो उसका मतलब कहता है परमेश्वर कहता आपको कभी धनी नहीं बनाएगा याद रखना अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में कहता बोने वाले नहीं है कहता जैसा आपने बोया है अगर बच्चे ने माँ बाप की बदतमीजी की है तो एक दिन तू भी मां बाप बनेगा हालया समझ रहे कि नहीं अगर आप सास की इज्जत नहीं करते एक दिन तू भी सास बनेगी बहु खुश हो जाओ तुम भी सास बनोगी लड़के खुश हो जाओ तुम भी एक दिन ससुर बनोगे बहुत लंबी उम्र जियोगे लेकिन जैसा बोोगे वैसा काटोगे बाइबल का नियम है कहता धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता कहता पर वो क्लियर है कहता कहता मनुष्य मैं आपके समझ में नहीं आ रहा आपको पंजाबी में समझ में आएगा आप अपने पड़ोसी को पंजाबी में बोलो जिदा ना बोएंगी बोएगी बोलो जिदा ना बोएंगी उदा तक कटेंगी हूँ समझ कि नहीं जिदा ना बोएंगी ओद कटेंगी जिदा ना बोलेंगी बोलेगी उदा खाएंगी अपने पति तो सारे बोलो हाल ही आपको बता रहा हूं जैसा बोंगे वैसा काटोगे सिद्धांत है ये बाइबल का अगर आप किसी गरीब कभी हक मारा जाएगा अगर आपने किसी का पैसा मार लिया आप कभी मारा जाएगा आपने किसी से धोखे से घर ले लिया गाड़ी ले लिया आप कभी मारा जाएगा जो धोखा कह कि यूसुफ ने किया मैं कह याकूब ने किया उसके साथ भी ऐसा ही हुआ उसने अपने भाई का हक मार लिया एसाब का और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ उसने धोखा कर लिया छूट बोल के अपने बाप के सामने हाथ करके ऐसा कर दिया कहता कि मैं यू मैं यू मैं यू मैं यू मैं यूं यू और उसके, ने उसके लिए भविष्यवाणी कर दिया और क्या हुआ जब वो अपने ससुर मामा नौबान के यहाँ पर गया तो उसके बाद उसने बहुत कमाया बहुत कमाया उसने क्या किया उसने उस समय में एक लड़की को पसंद किया और उसके साथ उसकी शादी हो गया लेकिन आपको पता है पहले शादियाँ घूंघट में होती थी घूंघट उठाया भी नहीं जाता था पहले के लोग तो मैं उनको सलूट करता हूँ भाई साहब ऐसे ही कर लेते थे शादियाँ बिना देखे कहते कोई नहीं माँ बाप ने कहा कर लो ब्याह है काले तवे पे गरम तवे पे हाथ रख के आते हो तुम उसने ऐसे करके ब्याह कर लिया और जब ब्याह हो गया तो उसने देखा क्या कहता जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं वो तो है ही नहीं ये ओ ये क्या छोटी बहन को पसंद किया बड़ी बहन बिठा दी धोखा हो गया और बाद में सोचने लगा था जैसा बोया था वैसा काट लिया आज मैंने आप समझ रहे कि नहीं आपने किसी के साथ धोखा किया है आपके साथ भी होगा लेकिन अगर आज पश्चाताप करोगे पवित्र आत्मा कह रहा है कि कांटे नहीं है धरती तुम्हारे लिए फूल 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 आपकी राह में फूल गिरे हुए मिलेंगे में। आप जाते है, खाते हैं पेट नहीं भरता यही तो कह रहा भविष्य परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा खाते हो पेट नहीं भरता पीते हो प्यास नहीं भूलती थाली में डालते हो छेद हो जाता है कह कर कारण है कहता आप क्या बोकर जा रहे हैं आज आप इस धरती पर आए हैं क्या बोकर जाएंगे आप क्या बोकर जाएंगे आप सिर्फ हाले लोहिया बोलकर बोकर जा रहे हैं आमीन बोलकर बोकर जा रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कथा आपके कर्म भी नोट हो रहे हैं वो ऊपर वाला आपके कर्म को भी नोट कर रहा है उसके पास एक डायरी है खुली किताब है ऐसे कहता वहां पर कहता उस किताब में एक एक जन का करेक्ट नाम लिखा गया है उसके कर्म लिखे गए हैं उसने इस दिन फलाने दिन क्या काम किया यहाँ पर स्वरदूत आए मैं आपकी फोटो खींच कर लेकर गए अभी हाली लोहिया कहता कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज रात कहता आपने अपने ऊपर से एक भारी शराब को तोड़वा लिया इस समी के नाम में

अपने लिए चर्चाएं अपने लिए प्रार्थना करते हैं वो शरीर के लिए बोल रहे हैं आप लोग जब प्रार्थना करने बैठते हो कितनी ईमानदारी आपके अंदर आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं पता है मम्मी को ठीक कर दो डैडी को ठीक कर दो पापा को ये दे दो मम्मी को घर दे दो चाचा को ठीक कर दो ओके पापा आई लव यू जीसस आमीन आपकी प्रेयरी होती है आप कभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर कभी बहुत दूसरे लोग भी चंगे हो दूसरे का भला भी हो हम बहुत सारे लोग कह बोलते हैं वो काटते हैं हैं कहते कुछ लोग शरीर के लिए बोते हैं लेकिन कुछ लोग कह आत्मा के लिए बोते हैं अगर आप शारीरिक मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं शरीर के चलाए चलना है तो चलो कहता हैं लेकिन कांटे आएंगे ही आएंगे दुख आएंगे ही आएंगे प्रॉब्लम आएंगी आएंगी लेकिन अगर आत्मा के चलाए चलोगे मैं कह रहा हूं आज कह रहा कांटे हैं ये शु मसीन है वो कांटों का ताज अपने सिर पर ले लिया मेरे और आपके लिए वो फूल गिराएगा आज आपके अंदर आपके घर में वो खुशी है गुड न्यूज गवाही की फूल आपके घर पर आएंगे लोग आपको माला पहनाएंगे yes. लोग आपका स्वागत करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा आत्मा के चलाए चलने वाले जिस दिन बन जाओगे कहता उस दिन लोगों में कहता आपका लेवल ऊपर होने लगेगा इस समस्या परमेश्वर उसको कभी नीचे नहीं रखता उसके स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर आता है अगर आपने अब आप आत्मा के चलाए चलने का फैसला ले लिया है आत्मा का चलाई का चलना क्या होता है कहता परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है बोलो हाले आज, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते उसने कहा पहले बोना है फिर काटना है नियम है जब आपने बोया ही नहीं तो फिर वो काटेंगे कहां से आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में फल है लेकिन सारे फल तोड़कर खा सकते हो लेकिन ये पहला फल तो नहीं खा सकता आज बहुत सारे लोग कहता है कि ये बात समझते नहीं है कहता है आपको दस हज़ार मिली तनख्वाह पचास हज़ार मिली लेकिन परमेश्वर कहता है उसमें से दसवा हिस्सा पहला फल कहता आप नहीं खा सकते वो परमेश्वर का है हाल लोहिया कहता वो परमेश्वर का है लेकिन बहुत सारे लोग उस फल को तोड़कर खा लेते हैं आज भी बहुत सारे लोग इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर शराब दिया था आदम को आदम को कहा था कि अब तू बंगले में से अब तू झोपड़ी में रहा करेगा बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाते हैं देखो लिखा मलाकी के तीन के दस में हम पढ़ेंगे देखो और ऐसे व्यक्ति के पास के लिए पैसे के लिए कभी धरती पर संघर्ष मैं कह रहा हूँ संघर्ष पर संघर्ष करता रहता है जो दशमांश की चोरी करते हैं लोग उनकी जिंदगी में संघर्ष रहता है आप मकान बना रहे हैं दस साल हो गए नहीं बन रहा चालीस साल हो गए नहीं बन रहा मैं मान ही नहीं सकता याद रखना अगर आप किराए पर रहते हैं ये भी एक शैतान का काम है सुन रहे हो मेरी बात परमेश्वर ने आदम और हवा को धरती दी थी फल फूल फैल जा आप समझ रहे में ले, आओ। सारे सारे। कितने? सारे में ले आओ हाँ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यह हुआ ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपर जब जितना बोला उतना पढ़ लिखा सारे सुश मेरे भवन में ले आओ। 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 गिविंग ब्रिंग। ब्रिंग मतलब नहीं लिखा दो दो नहीं वो भीख नहीं मांग रहा आपसे वो कहता मेरा दशवांश है वो कहता है उसको छूना नहीं है जो छूता है कहता वो आग से खेलता है क्योंकि वो दशवांश वो शराब का पैसा है आप समझ रहे हैं कि नहीं और वो आप उसको अपनी जेब में लिए घूमते हैं आदम को एक शराब मिला था आदम को तीन के में क्या मिला था? देखो जरा। हा, हा, नहीं, सुनो, सुनो। इसी के तीन, के तीन सेवन में ले आओ उसने इंग्लिश में बाइबल में लिखा ब्रिंग, ले आओ गिविंग ने लिखा दो लेकिन यहां बता रहा है कहता है, आगे लिखा यूं कहता है शुक्र है नहीं तो मेरे ऊपर तवा लग जाना था परमेश्वर ने अपना नाम लिख दिया सेनाओं का योवा कहता है सारे दसवां भंडार में ले आओ शुक्र है परमेश्वर का उसने अपना नाम लिख दिया नहीं तो पादरियों का नाम लग जाना था पादरी मांगते हैं अरे को नहीं चाहिए तुम मुझे नहीं देते मुझे ऊपर वाला देता है ऊपर yes. वाला देता है मुझे फाइनेंस समझ रहे हैं कि नहीं क्योंकि वो दशवांश मैं नहीं रखता हूं वो दशवांश परमेश्वर का है आज बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा क्योंकि आदम और हवा ने जब कह चोरी किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसी समय उनको वहां से निकाल दिया और बाइबल बताती है पढो देखो उत्पत्ति आदम, आदम हाँ। के के तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना उसको तूने खाया है इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है क्या लिखा कह रहा भूमि तेरे कारण श्रापित है आदम को यहाँ पर तीन शराप मिलते हैं और इस शराब के अंदर वो बता रहा है है कह रहा कि एक तो भूमि तेरे कारण शरापित है लेकिन कब कहता इसने अपनी पत्नी की बात सुनी बोलो हाले लोहिया जब भूमि शरापित हो गई तो उसके बाद आप उस पर फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं देखो एक लड़की इधर देखो इधर खड़ी हो गया इधरा पहन दे अपना दे ये भी दे क्या कर रही खोल के कोई दे रही है ये आग है यहां पर ये आग है आग है यहां पर आग है दिखाओ आग और आग दिखा ना इधर ये आग है और आग वाले स्थान पर अगर मैं इस लड़की को खड़ा कर दूं तो क्या होगा जलेगी जाओंग, जाओंगी। जल जाऊंगी जल जाऊंगी जल जाऊंगी मर जाएगी तू जल जाएगी मर जाएगी और ये तेरा पेन अगर मैं आग में डाल दूं ये भी जल जाएगा ये, ये भी जल जाएगा जल जाएगा जो भी कुछ है जल जाएगा तो बाइबल में लिखा लिखा करें कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए भूमि आज से श्रापित हो गई पता आप आप फैक्ट्री खोल रहे हैं खार बना रहे हैं उस जमीन पर कहता है जो भी करो व्यवस्था के सत्ताईस इकतीस के में लिखा वहां पर लिखा और में वहां पर लिखा क्लियर कहता है कि जो परमेश्वर को दशमांश नहीं देता इकतीस में तीस को पढ़ो तीस को पढ़ो देखो क्या लिखा हाँ फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश हाँ चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल चाहे वृक्ष का फल हो वो स्क्रीन पर। और 27 का, 30 दिखा पर। कता, आप, आप बगीचों का बाग लगाएं देखो क्लियर लिखा करा के बाग लगाएं आप आम का बाग लगाओ आप किसी चीज का बाग लगाओ फैक्ट्री लगाओ लकड़ का, का काम करो लोहे का, का काम करो धरती पर कर रहे हो कि नहीं अगर दशवाश नहीं देना तो अपने कोठे पर करो ठ भी धरती में आता है लिखा कह है कि आप कहता कि जो करते हैं है इसलिए वो फलवंत नहीं है और आगे लिखा इकतीस में कह रहा कि उन वो जब तक दशवांश नहीं देते जो दशवांश नहीं देते शैतान को मालूम है उन लोगों के घर में घुसने का ऑर्डर है उसके पास इसलिए वो उन लोगों के घर में घुसता है और लिखा जो अपना दशवांश रखना चाहे मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ जो संक्षेप में जो अपना दशवांश रखना चाहे तो पाँचवा भाग उसको छुड़ाए मतलब जब तक पाँच गुना नुकसान ना हो जाए तब तक शैतान उसके घर से ना जाए बीमारी उसके घर से ना जाए कर्जा उसके घर से ना जाए प्रॉब्लम ना जाए मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मुक्ति जो है वो फ्री में रखी है चंगाई फ्री में रखी है उसने सब कुछ फ्री में रखा है अगर आप परमेश्वर सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं बाइबल पढ़ रहे हैं चर्च आ रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपका नाम पुस्तक में से नहीं काटेगा अच्छी बात है आपको स्वर्ग जाने के लिए कहता कहता है 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 कि परमेश्वर ने रखा अगर आप एक रुपया भी दान नहीं करते एक रुपया भी दशमांश नहीं निकालते आप तो भी आप स्वर्ग जाएंगे ये बात है सुन रहे हो कि नहीं डरना नहीं है कैसे गुमसुम बैठे हो सारे बोले हाल क्योंकि भाई साहब पैसे की बात चल रही है ना हाले लोहिया मैं आज आपको बता रहा हूं कहता है कि सुनो कहता है कि अगर आप दशमांच नहीं देते आप एक रुपया भी नहीं देते और आप प्रार्थना करते हैं चर्च जाते हैं बैप्टिज्म लेते हैं तो, तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं आपके लिए खुशखबरी है देखा कितने चौड़े हो रहे हैं यही तो चाहिए इनको पैसा ना देना पड़े बस स्वर्ग ले जाना ऊपर वाले सुन रहे हो परमेश्वर ने छूट की हुई है बाइबल में कहता कोई बात नहीं लेकिन हाँ, एक जगह लिख उप जाएगी। ये तुम्हारे लिए दुख आएगी। श्राप आएगी। फिर से पढ़ रहा हूं तीन का सारा लिखा तूने पत्नी की बात सुनी उत्पत्ति में लिखा तूने पत्नी की बात सुनी इसलिए करा ये धरती आज से श्रापित है कर और कहता खून पसीने की कमाई खाएगा इसका मतलब संघर्ष करेगा दो बातें हुई एक तो उसकी भूमि श्रापित हुई दूसरा उसने संघर्ष किया अपनी लाइफ में और तीसरा कहता कि आज के बाद तू मर जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा इसका मतलब मौत भी उस दिन से आई और यीशु मसीह ने उसी शराब को तोड़ने के लिए वो कांटों का ऊंट कटारे वो सारे अपने सिर पर रख लिए कांटों का ताज आज आपके ऊपर से वो शराब तोड़ दिया परमेश्वर ने नेशो मसीह कह रहा है वो शराब टूट गया लेकिन जब पत्नी की बात सुनी बोला बोलो हालिया कई बार पत्नी मैं पत्नियों को सलूट करता हूं कई बार मतलब कि औरतों को सलूट करता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इनके द्वारा सुसमाचार फैला लेकिन कहता है एक जगह कई बार लिखा कि अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए आदम तू श्रापित हुआ इसलिए मैं ज्यादातर बात सुनता नहीं हूं सुनाता हूं <laughs> आपकी समझा ये रूल है हर घर में यही कहानी है औरत आगे बोलती है हमारा आदमी हमारी सुनता ही नहीं अरे मैंने कहा क्या सुनेगा जब बाइबल में लिख रखा क्या सुनेगा इसका इसकी इसकी कोई प्रार्थना नहीं है भाई साहब ये प्रार्थना ये वाली प्रार्थना मेरे पास मत लेकर आना वो सुनेगा लेकिन हर बात में नहीं कुछ बातों में सुनेगा आपकी हाँ ले लेकिन लिखा करे कि जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी बहुत सारी औरतों को जब यहाँ पर प्रचार किया जाता है कि कौन भाई समय टेंट के लिए पैसे देगा कौन टेंट लगवाएगा कौन जनरेटर लगवाएगा कौन क्रिसमस पर बीज बोएगा आदमी हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं और पत्नी साथ में बैठी है तो उसकी पेंट पकड़ नहीं बैठ और आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है नीचे बैठ जाता है पत्नी की बात सुनी और क्या हुआ वो उस दिन बहुत सारे मेंबर आए थे लेकिन ये बेचारा छड़ा ही आया था चौसठ करोड़ वाला बाकी सबकी औरतें साथ में बैठी थी डायमंड पार्टनर की और मैंने कहा आज मैंने कहा कौन पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख लिखाएगा उनकी पत्नी उनकी टांगे खींच रही थी।